नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे पास्ता यानी कि मैक्रोनी। मैक्रोनी बनाने के लिए हम लेंगे मैक्रोनी, बारीक कटे हुए टमाटर, लंबे कटे हुए प्याज, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, तेल, मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी, 2-3 कलियाँ लहसुन की और मैगी या मसाला या फिर पास्ता मसाला। पास्ता बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बर्तन के अंदर पानी उबालेंगे और उसमें हम अपनी ये मैक्रोनी है वो डाल देंगे। हिला देंगे अच्छे से और 1 चम्मच तेल डाल देंगे जिससे कि हमारी मैक्रोनी जो आपस में चिपकेगी नहीं। आधा चम्मच नमक डाल देंगे और 8-10 मिनट इसे उबलने के लिए लग जाएगी। बीच बीच में हमें इसे हिलाते रहेंगे और ढक्कन लगा कर रख देंगे। ढक्कन को साइड में से थोड़ा खुला रखेंगे। हमारे पास तवा उबलकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इन्हें छान लेंगे बर्तन के अंदर। थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे ऊपर जिससे आप उसमें चिपकेगा नहीं। मैक्रोनी हमारे उबल कर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल को गर्म करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, हम इसमें लहसुन की कलियां डाल देंगे। और जो प्याज है लंबे कटे वो भी डाल देंगे। हरी मिर्च है बारीक कटी वो भी डाल देंगे। टमाटर भी डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। चौथा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, नमक थोड़ा डालेंगे। पहले हमने मैक्रोनी उबाल के फिर नमक डाल दिया था इसलिए आधा चम्मच नमक डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब 2 मिनट तक हम टमाटर प्याज और इन हरी मिर्चों को अच्छे से इस मसाले को पकाएंगे। टमाटर को बिल्कुल एकदम गालना है। 2 मिनट तक ढक्कन लगा कर रख देंगे। दो मिनट हो गए हमारे मसाले हैं तो पककर बिल्कुल तैयार है। टमाटर बिल्कुल गल गए हैं एकदम। अब इसमें हम हमारी जो मैक्रोनी है वो डाल देंगे। मैक्रोनी बिल्कुल अलग लगे एकदम खिली खिली है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा जो मैगी मसाला है वो भी डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारी मैक्रोनी बनकर बिल्कुल तैयार है और आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है।
गर्मा गर्म परोसने के लिए तैयार है। हम एक बर्तन में निकाल देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।